नवाजुद्दीन ने खोला सीक्रेट गेम्स की कामयाबी का राज। अनुराग कश्यप से ट्यूनिंग पर कही ये बड़ी बात। कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है, कहने वाला गणेश गायतोंडे आपके मोबाइल पर आज फिर से लौट रहा है। सीक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन में इस बार गणेश के इतिहास के पन्ने खुलने वाले हैं और इसमें एंट्री हो रही है कुछ नए किरदारों की। सीक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन में गणेश गायतोंडे का एक रॉ एजेंट से रिश्ता खुल रहा है। अंडरवर्ल्ड में चर्चित रहे छोटा राजन के करीब होता दिख रहा है गणेश गायतोंडे। सच पूछे तो मैंने सीक्रेट गेम्स उपन्यास पढ़ा नहीं है, तो मुझे ये भी अंदाजा नहीं है कि इसके लेखक विक्रम चंद्रा ने किस किरदार के लिए क्या भूमिका गढ़ी है। मैं छोटा राजन से कभी मिला नहीं, तो उसके जैसा दिखने का कोई भी संदर्भ भी नहीं है। हाँ, आप किसी किरदार के बारे में पढ़ जरूर सकते हैं। मैं तो वैसे भी निर्देशक का अदाकार हूँ, जैसा मेरे निर्देशक अनुराग कश्यप कहते जाते हैं मैं वैसा ही करता जाता हूँ। लेकिन शुरू के 3 एपिसोड में ये तो समझ आता है कि गणेश गायतोंडे का जीवन इस बार आसान नहीं है, और शायद यही संघर्ष है जिसने गणेश के किरदार को दर्शकों के जेहन से चिपका दिया है। सच पूछिए तो अभी तक मुझे ये पता नहीं चल सका है कि किसी किरदार की कौन सी बात दर्शकों के जेहन में यूं चिपक जाती है। इतने सारे किरदार किए मैंने बीते कुछ साल में, लेकिन नहीं चिपकते हैं वे। अब गणेश गायतोंडे क्यों चिपक गया ये पता चल जाए तो मैं फिर हर किरदार के साथ वही करना चाहूँगा। ये भी तो हो सकता है कि दर्शक जिसे OTT पर पसंद कर लेते हैं उसे बड़े पर्दे पर नकार देते हैं। नेटफ्लिक्स ने भारत में सिनेमा और वेब सीरीज का फर्क मिटाया है। सीक्रेट गेम्स इसमें बड़ा कारक रहा, लेकिन इसका कोई श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। यह श्रेय इसके निर्देशकों, इसके लेखकों और इसके निर्माताओं को मिलना चाहिए। हम तो बस मोहरे हैं, उनके हाथ लग गए और जो चाल चली गई वे सही पड़ी।